Good morning to all of you. Myself, Mrs. Poonam Yadav from Suraj School, Rewari. Today, in this video, I will explain you Thar Desert. In 4th class, chapter number 6 in social studies is the desert of India. India ka jo desert hai beta, uska naam hai Thar Desert. Hot desert. This is hot desert in India. Western part of India. India ka jo west part hai, usme hai Thar Desert. और आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में और ज़्यादा उसके बारे में रीड करेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे. ओके, तो जो थार डेजर्ट है वो हमारे राजस्थान स्टेट में है. ओके, इसमें जो लूनी है वो रिवर है और वो सीजनल रिवर है. उसके बाद यहाँ पे सतलुज, जो सतलुज रिवर है हिमालय से जो निकलती है, पंजाब और हरियाणा को जो वाटर सप्लाई करती है, वो आगे वो जो कैनल हमारी है वो बता, जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो सतलुज रिवर से ही आती है. ठीक है, राजस्थान में जो वाटर है वो वाटर सप्लाई करती है यहाँ पे, बिकॉज लेस ऑफ रेनफॉल. जो राजस्थान के थार डेजर्ट है इसमें जो बारिश है बहुत ही कम होती है और वेरी हॉट डेजर्ट है. और जो कैमल है वो यहाँ का शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, क्योंकि मोस्टली पीपल जो ट्रैवल करते हैं थार डेजर्ट में या डेजर्ट में जो पीपल ट्रैवल करते हैं वो कैमल के थ्रू ही करते हैं. तो जो कैमल है, जब बहुत सारे कैमल इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसको कारवा बोला जाता है बेटा. कारवा में बहुत सारे पीपल एंड एनिमल्स और जिनमें कैमल्स ये ट्रैवल करते हैं. ओके, फिर राजस्थान स्टेट की, राजस्थान में जो रूल किया गया था, जिन लोगों ने रूल किया वो राणास कहलाते थे. जो राणास थे उन्होंने राजस्थान में बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग फोर्ट बना रखे हैं. थोड़े से ऊंची पहाड़ी पे या टीले पे वहाँ पे फोर्ट्स बने हुए हैं. जैसे आपने आमेर का किला सुना होगा, फोर्ट बोलते हैं बेटा किला बोलो, जो किले बना रखे थे इन्होंने, बड़े बड़े दुर्ग बना रखे थे. तो जैसे राजस्थान में जो जगह है वो है आमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये जयपुर एंड उदयपुर, इन जगहों पर क्या बने हुए बेटा, फोर्ट्स बने हुए हैं. और जो टूरिस्ट होते हैं वो इन फोर्ट्स को देखने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से वो फोर्ट देखने के लिए इंडिया में आते हैं. तो जो राजस्थान है वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है. उसके बाद आ जाता है बेटा थार डेजर्ट. थार डेजर्ट भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक जगह है जहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं. ओसिस के बारे में बताना पसंद करूंगी बेटा मैं आपको. जो ओसिस होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाटर होता है. राजस्थान में एक जगह है वहाँ जहाँ पानी मिलता है और वहाँ बहुत सारे डेट पाम या पाम ट्रीज होते हैं, तो वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं ओसिस. उसके बाद आती है बेटा, आपने बहुत बार एक वर्ड सुना है लू. मम्मी आपको घर में बाहर नहीं जाने देती है ना, क्यों नहीं जाने देती, कहती कि बेटा बाहर लू चल रही है. तो जो लू है बेटा ये होती है हॉट विंड्स. हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू. जो बहुत गर्म हवाएं चलती है बेटा ये राजस्थान से चलती है, इन हवाओं को हम बोलते हैं लू. इनका नाम है LOO, लू. उसके बाद आती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम. जो विंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो राजस्थान है इसमें पेड़ तो है, मैंने अभी आपको एक एरिया बताया जो डेजर्ट है इसमें पेड़ तो है नहीं. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो विंड मिल्स होती हैं, हवा से चलने वाली पवन चक्कियाँ वो लगाई जाती हैं. और जो बहुत तेज़ी से जो हवा चलती है, मूव करती हैं ये चक्कियाँ, तो उससे क्या होता है बेटा, विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. लुक एट दिस, दिस इज़ योर एक्सरसाइज. फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे मैंने आपको. द फर्स्ट इज द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश. हमारी पूरी कंट्री में जो 28 स्टेट हैं उनमें थार डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, राजस्थान. राजस्थान में लोकेटेड है थार डेजर्ट. द डैश कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज टू राजस्थान. रिवर सतलुज से राजस्थान में कौन सी कैनल है, कौन सी नहर है जो वाटर सप्लाई करती है, वो है बेटा इंदिरा गांधी कैनाल. नेक्स्ट वन इज रिवर डैश इज द ओनली सीजनल रिवर दैट रन्स थ्रू राजस्थान. राजस्थान में कौन सी ऐसी एक रिवर है जो वाटर सप्लाई करती है, वाटर होता है जिस रिवर में, लेकिन है सीजनल, यानी कि सीजन, अगर रेनी सीजन, मानसून सीजन है तो वाटर सप्लाई करती है, तो वो है लूनी रिवर. नेक्स्ट इज द वुमेन ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट कलर्ड स्कर्ट्स कॉल्ड डैश. जो औरतें होती है राजस्थान में वो वियर करती हैं, पहनती हैं कलरफुल स्कर्ट पहनती हैं कॉटन की, उस स्कर्ट को क्या बोला जाता है बेटा, घाघरा. आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, घाघरा चोली. क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड डैश. एक क्रीसेंट बेटा यूँ हाफ शेप में इस तरह एक सैंड ड्यून्स बना होता है, उस सैंड ड्यून्स को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं बेटा बार चैंस. उसके बाद नेक्स्ट आता है
People travel on camels across the desert in groups called जब लोग travel करते हैं camels में across the desert को जब cross करते हैं लेकिन group में बहुत सारे group में होते हैं this is called caravans. उसके बाद आता है बेटा complete the following. A desert is an, आपसे question पूछा गया है what is desert, यानी a desert is an, तो आप बताएंगे this is underproductive land which may be hot or cold. ऐसा unproductive या underproductive land होता है जो hot भी हो सकता है और cold भी हो सकता है. मैंने आपको hot का बताया था example था desert और cold का है लद्दाख desert in India. ये cold desert का एक example है बेटा हमारे पास. उसके बाद आता है oases are places. ओसिस कैसी places होती हैं वेयर वाटर इज़ फाउंड इन ए डेजर्ट, जहाँ डेजर्ट में वाटर फाउंड होता है वाटर मिलता है उस जगह को हम बोलते हैं ओसिस. नेक्स्ट है बेटा सैंड ड्यून्स आर डैश, जो सैंड ड्यून्स होते हैं मिट्टी के बड़े सैंड ड्यून्स आर सैंड हिल्स, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या है बेटा सैंड यानी मिट्टी की हिल्स, मिट्टी की पहाड़ियाँ बनी हुई होती हैं. ओके उसके बाद आता है बेटा हमारे पास लू. लू 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 इज़ वेरी हॉट विंड्स ड्यूरिंग समर, गर्मियों में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं लू. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज डैश, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसका नाम है सहारा डेजर्ट और वो कौन से बेटा कॉन्टिनेंट में अफ्रीका में. ओके द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. I hope this video will help you and you will know more about your desert, the desert land of India. Thank you and have a nice day.